हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपने नए चैनल है, जो मेरा दूसरा चैनल है छाया लाइफस्टाइल के नाम से, उसमें एक वीडियो डाली है, तो ज़रूर देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपने इस चैनल में मुझे इतना प्यार दिया है, तो आप उस चैनल में भी मुझे अपना प्यार दीजिए और अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा। उस चैनल में भी आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। मैंने उस चैनल को घरेलू जो इलाज किए जाते हैं भोजन से या मसालों से, या फिर घरेलू जो सौंदर्य प्रसादन बनाए जाते हैं घर की चीज़ों से ही, उनके बारे में वीडियो मैंने डाली है और आगे भी डालती रहूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उस चैनल को। तो अभी तो मैं आपसे बात करने बैठी हूँ कि किस तरह से हम अपने दोपहर के समय को पास करें, अपने जो दोपहर का जो टाइम मिलता है हम लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं कि दोपहर को हमको टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है जिसमें टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है। वैसे अगर आप काम करती हैं तो आपको दोपहर को काफ़ी समय मिल जाएगा, और अब तो दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो आप इस समय को कैसे गुजारें इसके लिए मैं आज आपसे बात करूँगी। तो जैसे अपने शौक हैं, कोई भी शौक है, आपको लिखने का शौक है, जैसे कई लोगों को कविताएं लिखने का शौक होता है, तो कई लोगों को रेसिपीज लिखने का शौक होता है, तो किसी को कहानियां लिखने का शौक होता है। तो जो दोपहर का आपका समय है उसमें ज़्यादातर, या तो अभी बच्चे स्कूल तो नहीं जाते लेकिन वो भी अपने अपने कामों में बच्चे लगे रहते हैं, तो जो दोपहर का टाइम है उसमें आप बिल्कुल शांत टाइम होता है। कई सो भी जाते हैं, या हस्बैंड आपके गए हुए हैं या घर में भी हैं तो दोपहर को सो जाते हैं सब, या बच्चे भी सो जाते हैं, तो उस टाइम आप अपने लेखन का कार्य कर सकती हैं। जैसे आप अगर कविता लिखती हैं तो, या फिर कोई कहानी लिखती हैं या कुछ भी लिखती हैं। तो मैं तो ऐसे ही किया करती थी जब मैं रेसिपीज लिखा करती थी। मैं और मेरी कुछ रेसिपीज काफ़ी मैगजीन्स में छपी हुई भी हैं, तो मैं दोपहर के समय लिखती थी। और मैंने अपनी एक रेसिपी बुक भी लिख रखी, वो भी मैं या तो मैं सुबह जल्दी उठ के लिखती थी या फिर मैं दोपहर को बैठकर लिखती थी। तो इस तरह से आप दोपहर के टाइम का यूज कर सकती हैं, या फिर आप अपने जैसे सिलाई जानती हैं या सिलाई करती हैं या सिलाई का शौक रखती हैं, तो सिलाई का शौक भी मुझे बहुत था और अभी भी है। अभी कुछ सुई वगैरह मुझे दिखती नहीं, इस कारण मैं सिलाई नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं मुझे अच्छे से दिखता था, आंखें मेरी सही थी, तो तब मैं सिलाई करती थी। तो आप दोपहर के टाइम में सिलाई कर सकती हैं अपने। तो सिलाई में जैसे आप पुराने कपड़ों का भी यूज कर सकती हैं, तो आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं और वो जो यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनके आप जैसे शर्ट हैं या कुर्तियां हैं, आपकी कुर्तियां हैं, आपके कोई जवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो उनकी कुर्तियां हैं, या फ्रॉक्स वगैरह हैं, तो उनमें से आप तकिए गिलाफ वगैरह बना सकती हैं अगर आपको सिलाई आती है। तो दोपहर के टाइम को इस तरह से आप अपना यूज कर सकती हैं। आपको कोई कढ़ाई का शौक है तो कढ़ाई कर सकती हैं, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो आप उस चीज़ को भी कर सकती हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें चल गई हैं आज, और अगर गार्डनिंग का शौक है आपको, गार्डनिंग का, तो उसके लिए आप गमले वगैरह तैयार दोपहर के टाइम में कर सकती हैं। जैसे बहुत से वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उसको काम लेने के लिए आप दोपहर में उनको तैयार कर सकती हैं। जैसे गमले तैयार करने आपको, तो उनमें कोई भी बॉटल है या कुछ भी है, तो उनमें आप दोपहर को बैठ के किचन में जाके और उसमें खड्डे वगैरह करने पड़ते हैं गमले बनाने के लिए, तो वो कर सकती हैं, या फिर आप उसमें कलर कर सकती हैं, आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकती हैं दोपहर को बैठकर। तो इस तरह से आपका टाइम भी पास होगा। आपकी कोई बनाई हुई चीज़ जो हम अपने हाथ से बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है, और जब देखने में भी लोग अगर आपको कहते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं कि आपने बनाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम भी आप दोपहर को बैठकर कर सकती हैं। और अगर आप मतलब क्लीनिंग करना चाहती हैं घर की, या आप अपनी कोई अलमारी वगैरह या वार्डरोब वगैरह उसको सही करना चाहती हैं, तो आप दोपहर के टाइम में उसे भी जमा सकती हैं। अपनी साड़ियां हैं या अपने हस्बैंड की अलमारी है या अपने बच्चों की अलमारी है, उनको आप दोपहर को बैठकर कर सकती हैं। कई लेडीज को नींद नहीं आती है, पहले शुरू शुरू में मुझे नींद नहीं आया करती थी, तो मैं दोपहर को ऐसे काम कर लिया करती थी, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, सर्दियों में बुनाई कर लेते थे तो हम, और नहीं तो फिर अपने किचन की सफाई कर ली, या अपनी अलमारियों की सफाई कर ली, या कोई अपने
अपनी अटैचियां हैं या कोई ट्रंक है या कुछ है तो उसे उसका काम निकाल के बैठ जाइए, तो दोपहर का आपका जो टाइम है ना वो आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपका जो काम है वो सारा निपट जाएगा, बिल्कुल आप अपने काम को ढंग से कर पाएंगी, क्योंकि दोपहर का समय ऐसा होता है काफी टाइम होता है। अगर आप 12 या 1 बजे निबड़ जाती हैं काम से, फारिग हो जाती हैं, तो आप 4 बजे तक का टाइम आपके पास रहता है। 4 बजे ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो उस टाइम उठ के आप फिर चाय बना लीजिए, लेकिन दोपहर के टाइम को आप इस तरह से यूज कर सकती हैं। दोपहर को टाइम को आप किचन में भी जाकर अपने कोई मसाले पीसने हैं या कोई चूर्ण बनाना है या कोई चटनी बनानी है या कोई रेसिपी बनानी है तो वो भी कर सकती हैं आप। कई बार ऐसा होता है मेरे तो चूरन वगैरह खत्म हो जाता है, तो फिर मैं दोपहर को चूरन बना लेती हूँ, या साबुत धनी को मैं पीस के रखती हूँ तो वो कर लेती हूँ, या फिर अपनी सब्जियां हैं या हरा धनिया है या कोई भी फ्रिज में जो मुझे संभाल के रखनी होती है चीज, जैसे मिर्ची है तो मिर्ची के डंठल काट के उनको रख दीजिए, धनियों को संवार के और उनको अखबार में या न्यूज़पेपर में बांध के रख दीजिए। ऐसे छोटे 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 काम हैं जो आप दोपहर में कर सकती हैं, और उससे आपकी जो भी वो है कि टाइम भी पास होगा और आपका काम भी हो जाएगा, तो ऐसे छोटे मोटे काम आप जरूर दोपहर को कर लीजिए। या फिर आपकी कोई पढ़ाई चल रही है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम शादी के बाद बच्चे होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई जारी रखते हैं या कोई एग्जाम्स वगैरह देते हैं, कंपटीशन एग्जाम वगैरह, तो उसकी पढ़ाई भी आप कर सकती हैं दोपहर को बैठ के। काफी टाइम मिलता है दोपहर के समय, बिल्कुल शांति रहती है, आप उसमें भी पढ़ सकती हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं, तो आप पढ़ाई भी कर सकती हैं। अपना एक कोना बना लीजिए पढ़ने के लिए, अपने एक टेबल, आपके पास कोई भी टेबल है या कुछ है जो, उसके लिए आप एक कोना बना लीजिए अपने पढ़ने के लिए, और उसमें आपको जो भी लिखना है या करना है या कंप्यूटर चलाना है या लैपटॉप, लैपटॉप आजकल लैपटॉप चलाते हैं, तो वो चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो आप अपनी एक टेबल बना लीजिए पढ़ने के लिए और उसमें काम करिए। या फिर अगर आप जो भी सिलाई विलाई करती हैं, हमारे यहाँ तो रहा करती थी पड़ोसन हमारी, तो बिल्कुल छोटा सा घर था, उसके बावजूद वो सिलाई करती थी। अच्छा, उनके हस्बैंड कमाते थे लेकिन फिर भी वो, उनको शौक सिलाई का था, तो पड़ोसियों के कपड़े भी सिलती थी, और छोटे से घर में उन्होंने अपना एक कोना बना रखा था, अपनी जो है वो बना रखी थी, एक जगह बना रखी थी, अपनी मशीन रख रखी थी उन्होंने बिल्कुल छोटे कोने में, और उसमें उन्होंने अपना सारा सिलाई का सामान रख रखा था। तो इस तरह से आप अपने कोना बना लीजिए अपने काम का, चाहे लिखने का काम है, चाहे सिलाई का काम है, चाहे कोई है, तो आप अपना एक कोना बना के रख लीजिए, और उसमें आप अपनी जो भी चीजें यूज करती हैं वो रख लीजिए, तो आपका जब जो आपको जो ही समय मिलेगा आप उसमें जाके बैठ जाइए और अपना काम शुरू कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अपना कोना जरूर बनाइए एक, तो इस तरह से आप अपने दोपहर के समय को यूज भी कर लेंगे और आपका काम भी हो जाएगा और बिल्कुल टाइम पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।